तो अभी बन रही है कढ़ी और इसमें तड़के में पड़ा है प्याज, जीरा, मेथी और इसमें पड़ा है आलू। ये मसाला पीस गया, फिर इसमें पड़ा है मसाला धनिया, काली मिर्च, जीरा और अदरक, लहसुन, प्याज पत्ते और ये रहा बीस का मसाला। फिर इसमें एक पैकेट चीज़ डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, इसको मिला देंगे अच्छे से। पता हमें कैसे कम आता है, इधर से ज़्यादा आता है, थोड़ी गर्म हो जाएगी। ये राइट पेट्स आप पेज
हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू दिस न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरी प्रार्थना और दुआ हमेशा है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी का प्यार मेरे साथ है। सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। तो अभी बज रहा है सुबह का 12 या 1 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, तो टाइम नहीं पता मुझे कि बैक कैमरा है, तब मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ अम्मा को दिखाती हूँ। ये रहा गुड़, अरे आम, ये इतने सारे आम लिए हैं मैंने, ये मीठा आम है, आप चाहे तो कोई भी आम ले सकते हैं, लेकिन मीठा आम लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जीरा और मिर्च और गुड़ और ऑयल और हल्दी और नमक, इतना चीज़ पड़ेगा और ये बनके तैयार हो जाएगा। तो इसमें हम तेल डालेंगे अभी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है, तेल गर्म होगा, ज़्यादा तेल मैंने नहीं लिया, इतना ही ऑयल, बस इसमें ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, बस इतना ही तेल लिया। और 3 आम लिए हैं मैंने और इतना गुड़, और ये तड़के में जाएगा, दोनों तड़के में जाएगा। और थोड़ी सी हल्दी ले लेंगे और नमक, तो ये इतना पड़ेगा बस, ये जैगरी गुड़ और जीरा और मिर्च और टर्मरिक हल्दी और सैल्ट और नमक, मैंगो आम। इसका मुझे जीरे का इंग्लिश नहीं पता, इसलिए मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। और ऑयल और तेल मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो मैंने जीरा और इसमें डाल दिया है लाल मिर्च। तो पता है ये ताज़ा तेल पीरा हुआ है घर का, इसीलिए इसमें जो है निकल रहा है। आप रिफाइन भी ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं। तो इसमें अब आम डालेंगे। आप भी बनाएंगी? ये सिर्फ मैं अपने लिए और प्रिया के लिए बना लूँ, या फिर और कोई फायदा खा लेगा, क्योंकि ये लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इसको वेट कर लेंगे। ये प्योर तेल है घर का, इसीलिए मैं रिफाइंड में डाल दूँ, आप चाहें तो रिफाइंड और घी भी डाल सकते हैं। बस बेटा हो गया। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये ना रोटी से अच्छा लगता है, ऐसे भी अच्छा लगता है। आ रहे बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट क्या मतलब, 2 मिनट रुक जाओ बस, 2-3 मिनट। ये ना कल रात में क्या हुआ था, बहुत आंधी आई थी, तो ये आम मिला है बगीचे से हम लोग का, बहुत आम गिरा था, बहुत आंधी आई, बहुत तूफान आ, पूरा घर मतलब पूरा उड़ रहा था सारा सामान। तो ये देखिए फ्राई हो गया, ये रेड रेड हो रहा है, बस इतना ही करना है इसको, ज़्यादा नहीं करना। और इसमें डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे, डाल दिया हल्दी नमक। आप चाहें तो चीनी का बना सकते हैं, मैं गुड़ का बना रही हूँ, मुझे गुड़ का पसंद है इसके लिए। और आप इसको लोहे की कढ़ाई में ना बनाए, कढ़ाई में बनाए। बस पानी डाल दिए, तो इसमें डाल रहे हैं गुड़ अभी, पूरा गुड़ मैंने डाल दिया है। बस इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी, बस हो गया ये, ज़्यादा इसमें काम धाम नहीं करना, बस थोड़ा सा पकने देना है बस। एक गुड़ डालें, एक गुड़ में हो जाएगा ना, आम भी तो मीठा है ना। इतना सा पानी
छोटा था आधा और तो लगता है ठीक है रहा ठीक है मेरे आमा में रहा चलो ठीक है आपको नहीं हो ना आ रहे हैं ओ भाई, ओ भाई। तो रात भर लाइट कटी थी अभी आई है लाइट तो बस इसको 5-7 मिनट पकने देंगे धीमी आंच में पकाएं बस एकदम आंच धीमा कर दिए हैं तो ये मैंने बनाया है गुरम्मा और ये रही रोटी रोटी गुरम्मा में खाऊंगी और ये बहुत ही मतलब मस्त बना है जैसा मुझे चाहिए था वैसा बता तो लाइट आ गई है लाइट नहीं थी बहुत देर से लाइट को कर देंगे बंद और ये लाइट को कर देंगे ऑन वहाँ कर दिया मैंने खिड़की को बंद और बैठ के आराम से खाएंगे तो अभी मैं खा रही हूँ गुरम्मा बिस्तर पर बैठ के खा रही हूँ बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ डेली मैं सोफे पर बैठ के खाती हूँ इतना टेस्टी बना है इसमें जो जीरे का फ्लेवर आ रहा है ना जीरा थोड़ा सा हल्दी थोड़ा सा रेड मिर्च का झोल मस्त जो रेड मिर्च का बीज गिरा हुआ है मैंने रोटी से खा लिया अब ये काम बचा है उसको ऐसे ही खाऊंगी इसका जो ये है सच में बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा तो आप लोग भी अपने घर पर बनाइए गुरम्मा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं इसको और आप लोग कैसे बनाते हैं ऐसा सिंपल या मसाला डाल के मैं तब तक खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ आप लोग भी खाइए थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर अपना ख्याल रखिए